अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माजरत कि मैंने वीकली अपडेट की वीडियो नहीं बनाई थी, इस दफ़ा थोड़ा सा मसरूफियत थी और फिर ये आज का दिन भी गुजर गया, क्योंकि अब सारा फोकस बजट पे है और ओवरऑल जो मैंने मंथ स्टार्ट पे एक वीडियो दी थी उसके अंदर मैंने कुछ लेवल्स कोट कर दिए थे, तो मार्केट अभी तक उन लेवल्स के इन बिटवीन ही है। अच्छा, बाज़ार की जो रीसेंट मूव्स हैं लास्ट वीक भी और फिर ये जो आज का दिन भी गुजरा, माशाल्लाह मार्केट में एक अच्छा रिदम है। उसका बेसिक रीज़न जो है वो समझ लें कि दो हैं, एक तो आपका बजट और सेकंड एफएटीएफ का जो भी डिसीजन अब आने वाले दिनों में आना है। दोनों साइड से कुछ अच्छी खबरें हैं, न्यूज़ फ्लो बहुत अच्छा है और पॉजिटिव है और होपफुल रहना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक में आगे समझ लें कि फ्राइडे के दिन बजट है, तो मेरी कोशिश ये होगी या मेरी स्ट्रेटजी ये होगी कि जिन जिन स्क्रिप्ट्स के अंदर मुझे एक सफिशिएंट गेन अगर मिल रहा है तो वो मैं साथ साथ बुक करता जाऊं, और जिन स्क्रिप्ट्स में अभी वो गेन्स नहीं रिफ्लेक्ट हुए हैं, इंडेक्स ऊपर आया है, वो स्क्रिप्ट्स अगर पोटेंशियल हैं और वो नहीं चले हैं तो मैं उनमें शिफ्टिंग के मूड में हूँ। बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जो अभी नहीं परफॉर्म कर रहे, और लेकिन यह है कि उनकी टेक्निकल फॉर्मेशंस बहुत अच्छी बनी हुई हैं और नज़र आ रहा है कि उनके अंदर एक अच्छा जंप शॉर्ट टर्म के अंदर आ जाएगा, लेकिन स्ट्रेटजी वही है कि बजट से पहले चीज़ों को नफ़े बांधते हुए जाएंगे और फिर बेशक वो चीज़ें कैश पड़ा रहे या ऐसे आइटम में शिफ्ट हो जाए जिस आइटम में अभी परफॉर्मेंस नहीं आई है। इन शॉर्ट सेकेंड ये कि फेटफ की तरफ से भी जो है वो अच्छी खबरें हैं। आज वज़ीर आज़म की यूके के प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई है और इसमें ये टॉपिक भी, फेटफ का टॉपिक भी डिस्कस हुआ है, और एक बीच में जबकि कुछ गड़बड़ जो है यूरोपीय यूनियन की तरफ से हुई थी, जीएसपी प्लस की जो तड़ी वड़ी लगाई थी इन्होंने हमको, लेकिन मेरे हिसाब से वो चीज़ें कवर अप हो रही हैं इस वक्त, क्योंकि जो इस रीजन में हमारे जो एक चेंज आ रहा है और वो बड़ा एक सडन चेंज है कि यूएस फोर्सेज ने जो विड्रॉ किया है अचानक अफगानिस्तान से, तो उसकी वजह से पाकिस्तान की थोड़ी सी अहमियत जो है वो इस वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुई हुई है। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो समझ लें कि बिल्कुल फोकस पे है इस वक्त पूरी दुनिया के और स्पेशली ये यूरोप और यूएस के, तो ये एक एज हमें है, ये वो टाइम है कि अगर हुक्मरान चाहें तो इस वक्त ये बात मनवा सकते हैं कि अपने आप को ग्रे लिस्ट से बाहर निकलवा लें, क्योंकि अफगानिस्तान में समझ लें कि यूएसए की एक गोट हमारे हाथ में आ गई है इस वक्त, जो कि समझ लें लॉन्गर रन में या मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे लिए पॉजिटिव है, लेकिन फ़िलहाल वो वहाँ पे एक गड़बड़ है, लेकिन उसका कोई डायरेक्टली इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर अभी ऐसा सच नहीं है। तो एक अच्छी धुर जिसको कहते हैं कि हाथ में है पाकिस्तान के, तो फेटफ से इस वक्त निकलने का चांस है। मैं होपफुल दोबारा हूँ कि ये अफगानिस्तान का जो मामला है उसकी वजह से हमें और एज मिलेगा, और डेफिनेटली हमने एफएटीएफ की जो भी शराइत थी उनके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बात यही है कि हम सौतेले हैं इस दुनिया में, तो हम जितना भी अच्छा कर लें वो रिकग्नाइज़ करते ही नहीं, तो डू मोर तो हमसे हमेशा से है पिछले 20 साल से, लेकिन ये बात एज बन सकती है। तो फेटफ तो जब भी है वो बजट के बाद है उसका अनाउंसमेंट, तो फिलहाल बजट को फोकस करें इस वीक में। अगर मार्केट ने और अगर इंशाल्लाह गेंस लेती है मार्केट आने वाले कल परसों तरसों में, तो स्ट्रेटजी वही रखें जो मैंने बता दी कि जिनमें सफिशिएंट गेंस आ गए हैं उनको बुक करें और या तो कैश रखें या उन आइटम्स की तरफ शिफ्ट हो जाएं जिनमें आते वक्त नज़र आ रहा हो गेन। पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन एक्सपेक्ट करें कि मार्केट एक मजाक करेगी, क्योंकि बाज़ार 7 तारीख है आज और मार्केट ने एक अच्छा गेन ले लिया है, ऑलरेडी 1400-1500 पॉइंट मार्केट ऊपर आ गई है इस महीने के अंदर, तो अभी अपसाइड और जगह है, इसमें कोई शक नहीं है, मार्केट में और रिदम बनेगा, लेकिन बीच में बाज़ार जब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं मार्केट में और जब आप हर आइटम आपको परफॉर्म करके दे रहा होता है, तो फिर वही टाइम होता है कि थोड़ा सा होशियार हो जाए, क्योंकि कोई एक आइटम सारे पैसे ले जाता है। ठीक है, तो बी केयरफुल, स्टे पॉजिटिव, थोड़ा सा बेच के काम करें, बेच से मुराद ये प्रॉफिट बुक करते जाएँ। ठीक है, और वेट करें, फिर बजट के बाद एक नए डिसीजन लेंगे, बजट स्पीच सुन के नेक्स्ट जो मंडे आएगा वहाँ से। अभी फिलहाल ये जो पूरी स्ट्रेचिंग है, लग रहा है बाज़ार में अभी और रिदम है, इंशाल्लाह उसमें बेचते चले जाएँ और अच्छे ही वक्तों में माल बिकता है, ठीक है, बुरे वक्त में माल लिया जाता है। थैंक यू।